बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज मैं जो टॉपिक को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम यानी इलाकाई सदन है। अगर से एक तरफ मरकज में दहली सुल्तान हुकूमत कर रही थी, दहली सल्तनत का अपने पूरी जोधन पर पूरी शुबा पर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके भी हिंदुस्तान में थे उस वक्त के हिंदुस्तान में, उस की बरसी में, जो जहाँ पर अपनी इलाकाई हुकुमरान का वो जहाँ पर इलाकाई हुकुमरान हुकूमतें हुकूमतें कर रहे थे। मिसाल के तौर एक रियासत ऐसी भी थी, ये 14वीं सदी की बात है, 14वीं और 15वीं सदी की बात है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, कश्मीर उस वक्त हिंदुस्तान के दहली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। कश्मीर बिल्कुल अलहदा इलाका था, इसकी अलग अलग हुकुमरान थे। तो इस यहाँ पर पहले हिंदू राज हुकूमत करते थे, तो बैत में यहाँ पर एक नया खानदान मुसलमान खानदान उनकी हुकूमत शुरू हुई। उस खानदान का नाम था शाहमीरी डायनेस्टी। इसकी इब्तिदा सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीरी तुर्किस्तान के एक शाहजादे थे, तुर्किस्तान से यहाँ आए। वो वहाँ पर यहाँ पर वो उस वक्त के जो यहाँ पर जो लद्दाख लद्दाखी हुकुमरान था, गोल हुकुमरान था, उसका नाम था राजा रंजन की फौज में वो सिपा सालार की अहदे पर फायर हुए। तो राजा रंजन ने जब इस्लाम कबूल किया तो राजा रंजन का नाम सदरुद्दीन पड़ गया। राजा रंजन ने इस्लाम कबूल करने के उसका नाम सदरुद्दीन के नाम से मौसूम का मैं मशहूर मुसलमान नाम से वो मौसूम किए गए। तो सदरुद्दीन का जब इंतकाल हुआ तो शाहमीर ने सुल्तान हुकूमत की बाढ़ उठवाई, उनकी फौज का कमांडर इन चीफ था। इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत का, सलाकिन का सिलसिला शुरू होता है। सुल्तान शाहमीर के बैद उसके उनके लड़के सुल्तान सिकंदर के बैद उनके लड़के सुल्तान जैन अल-अबिदीन यहाँ पर हुकूमत करते हैं। तो ये सिलसिला सुल्तान शाहमीर के बाद और भी बहुत सारे हुकूमत, और इस खानदान का एक मशहूर हुकूमरान सुल्तान जैन अल-अबिदीन के नाम से मौसूम है, जिसने लोगों की जीत जीत लिए, जिसने फलाह बहबूद के ऐसे काम किए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम किए कि वो अवाम में खास आम हो गए और मकबूल हो गए, और उनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान कश्मीर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई। तो शाहमीरी खानदान ने बहुत सारे तकरीबन दो ढाई सौ साल तक हुकूमत की यहाँ पर कश्मीर में। तो जहाँ तक मारवाड़ का दौर है, यहाँ पर मारवाड़ राठौर खानदान हुकूमत कर रहा था। मारवाड़ और एक रियासत थी हिंदुस्तान की, जो एक अलग उसकी खुद मुख्तार आजकल का जो राजस्थान है उसी का हिस्सा था। एक वहाँ पर एक अलाकाई हुकूमत थी कायम थी, जो राठौर खानदान हुकूमत वहाँ कर रहा था, राठौर खानदान। और उस खानदान के मशहूर हुकुमरान थे मालदीवा एंड जोधा। इसी जोधा ने जोधपुर का शहर बसाया। जोधपुर का जो शहर है आज का राजस्थान में मशहूर शहर है, वो उसी जोधा ने बसाया। इधर जोधपुर में जहाँ तक मतलब जोधपुर का ताल्लुक है, जोधपुर में शर्की डायनास्टी का हुकूमत थी, और मलिक सरवर शर्की इस खानदान का एक सबसे अहम हुकुमरान था। इन सब हुकुमरान मेरे बच्चों और बच्चों आपको मैं ये बात आपके जहन में करना चाहता हूँ कि ये जो ये हुकुमरान जो थे शाहमीरी डायनास्टी को छोड़कर ये दूसरे हुकुमरान थे, राठौर थे या शर्की थे या इलिया शाही हुकुमरान थे या हुसैन शाही हुकुमरान या अहमद शाह जो गुजरात का हुकुमरान था, जिसकी वजह राजा अहमद था या भुका थे। तो इन्होंने अलायदा मेरी सतना से बगावत की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रियासत को अलग किया और अलग किया, अपनी इलाका इस साल में कायम रखी और अलग अलग हुकूमत बनाई। ये मर्कजी हुकूमत के साथ मुंसिफ नहीं हुई, ये अलग पहले थे लेकिन बैर न हो गए। तो इसी सिलसिले में जोधपुर में जो थी जोधपुर में शर्की डायनास्टी का हुकूमत आई थी, मलिक सरवर शर्की इस खानदान का सबसे मशहूर हुकूमरान था। इसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए,
लोगों को आराम और आराम पहुंचाने की गर्व से इस लोगों में यह बहुत मशहूर हुआ और लोगों ने इसका पिजिराई की। सिर्फ बंगाल में इलियास शाह और हुसैन शाह की हुकूमत कायम की और इसी के नाम की मनाजत से इनके खानदान का नाम इलियास शाही और हुसैन शाही हुकूमत खानदान पा गया। इस तरह गुजरात, इससे पहले गुजरात की मिसाल देता हूँ। गुजरात को अहमद शाह ने बताया। गुजरात में अहमद शाह ने हुकूमत कायम की। उसने अहमदाबाद शहर के नाम के अनुसार से अहमदाबाद का शहर जो है अहमद आबाद का जो शहर है इसी बात के साथ मंसूब है, इसी ने उसको आबाद किया, इसी ने शहर तामीर कराया और ये अपने उस गुजरात की राजधानी बनाया। अहमद साहब के बैद महमूद बेगरा इस खानदान का हुक्मरान बना, इस गुजरात का हुक्मरान बना। महमूद बेगरा एक और हुक्मरान था गुजरात का, महमूद बेगरा बेगरा महमूद बेगरा। और उसके बाद इस खानदान का एक और हुक्मरान था मुजफ्फर शाह। इसी के तरह खानदेश में वहाँ राजा अहमद ने अलग हुकूमत आए। विजयनगर की हिंदू सल्तनत, ये दूसरे हिंदुस्तान में एक सल्तनत थी। तो इस ये सल्तनत दो भाई हरिहर और बुकाली का एक थी, दो भाई थे। और इस खानदान का मशहूर हुकूमरान था राजा कृष्ण देव राय, एक सबसे बड़ा मशहूर हुकूमरान था राजा कृष्ण देव राय। राजा कृष्ण देव राय इस खानदान का सबसे मशहूर हुक्मरान था। पहले बच्चों और बच्चियों, ये तमाम हुकूमतें चाहे कश्मीर हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे जौनपुर हो, बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे खानदेश हो या विजयनगर हो, तब बैर में आहिस्ता आहिस्ता जब जब हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत कायम हुई, सलाजिन के बैर मुगलों की हुकूमत यहाँ पर कायम, सलाजिन के बैर सईद खानदान हुकूमत आती है, सईद खानदान के बैर लोधी खानदान की हुकूमत आती है, तो इस लोधी खानदान की हुकूमत के खात्मे के बैर मुगल हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत कायम होती है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगलों की हुकूमत कायम होती है हिंदुस्तान में, जब बाबर आखिरी लोधी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर दिल्ली के सदर पर दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा करने वाले रहे। तो बैर में बाबर के बैत उसका बेटा हुमायूं के बैत उसका बेटा अकबर आजम तख्त संभालता है। तो अकबर आजम इन तमाम रियासतों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी मगर सुल्तनत का हिस्सा बना देता है। कश्मीर को मगर हुकूमत ने 1586 में उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह इसी जमाने में इसके बाद राठौर मारवाड़ों का जो हुक्मरान होता है राणा प्रताप को शिकस्त देता है और इस पर मारवाड़ पर कब्जा कर देता है। इसी बार जौनपुर में शर्की डायनास्टी का खात्मा हो जाता है और शर्की डायनास्टी की मगध सल्तनत का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह मारवाड़ रियासत की मगध सल्तनत का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह कश्मीर और इसी तरह बंगाल को बाबर ने ही कब्जे में कर दिया। ये बाबर के जमाने में इसी तरह बंगाल तो बाबर के जमाने से ही मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया था। इस तरह गुजरात को भी अकबर के दौर में ही मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाती है और खानदेश भी मुगल सल्तनत अकबर की जेर क्यादत मुगल सल्तनत हित में शामिल हो जाती है और विजयनगर की हुकूमत का खात्मा हो जाता है और विजयनगर की हुकूमत के तहत खात्मे के बाद एक नया खानदान होता है जिसका नाम है बहमनी, वो मुसलमान हो। विजयनगर की हुकूमत खत्म हो जाती है और इस पर एक मुसलमान हुकूमत कब्जा कर लेती है जिसका नाम था बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। तो इस वहाँ पर बहमनी सल्तनत
बहमन शाह ने कायम की। 15वीं सदी में बहमन शाह ने इस हुकूमत को कायम किया। इस बहमनी खानदान का सबसे मशहूर हुआ महमूद गवाना है, महमूद गावान सल्तनत का मशहूर हुक्मरान रह चुका है, जिसने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किए। बहुत अवाम ने इसकी काफ़ी इज्जत किया थी, और उस जिस वक्त जब तक ये जिंदा रहा उस वक्त तक बहमनी सल्तनत बहुत मजबूत रही, लेकिन इसके इंतकाल के बाद ही इस सल्तनत का शिरा लिटा गया और छोटी सी रियासत में बढ़ दी। प्यारे बच्चों और बच्चों, ये मैंने आपको खाका पेश किया हिंदुस्तान में, मगर सलाती के अलावा जो इलाकई हुकूमतें थी उनका मैंने मुख्तसर मिजाज आपके सामने पेश किया। तो इसी के साथ मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। मान लेना बराबर बोली।